विरान मलिक यांना विनंती आहे की आपण त्यांच्याशी एक दोन मिनिटं आपल्याशी संवाद साधणार आहेत, कृपया आपण शांत पद्धतीने ऐकून घ्यावे। दो चार बातें बोल, मेरे लिए बोलना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। अभी अच्छी बात हुई ना। अब क्या है कि ये फिल्म श्री सिद्धार्थ गौतम हम लेकर आए हैं। मुझे बहुत आज खुशी हुई है कि मैं चंद्रपुर में आया हूँ और इतना ज्यादा मुझे उत्साह दिखा है आप लोगों का, उसके लिए मैं आप सबका पहले तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी टीम की तरफ से कि आपको ये फिल्म बहुत पसंद है। ये फिल्म जो है श्री सिद्धार्थ गौतम, ये खाली फिल्म नहीं है, ये एक मैसेज है। बाबा साहब ने 60 साल पहले जो हमारा धम्म का चक्र चलाया था, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, ये एक दोबारा से कोशिश है इस फिल्म के द्वारा कि ये फिल्म पूरे महाराष्ट्र में हमारे समाज का एक एक आदमी देखना चाहिए। जरूर देखेगा। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ बच्चा हूँ, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद, बाबा साहब को पढ़ने के बाद, आज मैं भी बौद्ध हूँ आपकी तरह। ये फिल्म, ये सिर्फ फिल्म में, ये मत समझिए कि मैं अपनी फिल्म का प्रचार कर रहा हूँ या मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये फिल्म में जो भी पैसा आएगा उसके दो काम इसके बाद हमने करने हैं। पहला काम, एक महामाया इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्कूल बनाया जाएगा जिसकी फाउंडेशन ऑलरेडी 11 तारीख को हमने कर दी है, और वो उसमें जो भी बच्चा पढ़ेगा उस फाउंडेशन में, उसको हम बुद्धिस्ट टीचिंग के हिसाब से बच्चे को पढ़ाएंगे। स्टडीज आज की होंगी लेकिन संस्कार सारे बुद्धिस्ट के होंगे, ताकि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी उस स्कूल का जब भी नाम आएगा तो लोग ये कहेंगे सामने से ये हमारे बाबा साहब का बच्चा आ रहा है, जिसकी पहचान अलग से की जाए। दूसरी बात, ये सिद्धार्थ की कहानी है, जो लोग हमारे धर्म के ऊपर, जिन्होंने बुद्धिस्ट के ऊपर ये इल्जाम लगाया हुआ था कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को आप भगवान का दर्जा देते हैं, जो अपने परिवार से भाग कर चले गए, और वो किस तरह के भगवान है, तो इस फिल्म में हमने दिखाया है कि वो भाग कर नहीं गए थे, वो अपने माता पिता की परमिशन लेकर गए थे, अपनी पत्नी को बताकर गए थे, अपने बच्चे को छोड़कर गए थे, और ये सारा बलिदान उन्होंने अपने लिए नहीं, हम सबके लिए किया था, ताकि हमारे लिए धम्म का खजाना ढूंढ सके। ये सबके लिए बहुत बड़ा करारा जवाब है, ताकि वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। दूसरा पार्ट, अगला पार्ट अब इसके बाद लिखा जा चुका है, जो बनना शुरू होगा इसके सक्सेस के ऊपर डिपेंड है, वो पार्ट होगा जिसमें हम धम्म दिखाएंगे। वो पार्ट के बाद तीसरा पार्ट जो लिखना शुरू हो चुका है, वो बाबा साहब का होगा, क्यों उन्होंने बुद्धिज्म चुना, किस क्या कारण है कि आज बुद्धिज्म भारत में जिंदा है, जो कि हमारे बाबा साहब की वजह से ही आज भारत में।